हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, कॉन्सोनेंट सीक्वेंस, कॉन्सोनेंट कंपाउंड। हाँ जी, टर्म्स इतनी सारी हैं बट मीनिंग एक ही है। एक ही मीनिंग के लिए अलग अलग टर्म्स को यूज किया जा रहा है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, क्लस्टर क्लस्टर का मतलब इकट्ठे आ जाना। तो कॉन्सोनेंट लिंग्विस्टिक्स में व्हाट इज कॉन्सोनेंट क्लस्टर? जब कॉन्सोनेंट साउंड्स टू थ्री और फोर कॉन्सोनेंट साउंड्स इकट्ठी आ जाती हैं और उसमें बीच में कोई भी वाउल साउंड नहीं आती। वाउल साउंड मतलब मोनोफोंग और डिफथोंग, तो उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। सो इन लिंग्विस्टिक कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच इन विच देर इज नो इंटरवीनिंग वाउल साउंड। Yes, in which there is no intervening vowel sounds. So examples इसकी मैं आपको बहुत सारी दूंगी। Consonant clusters, आप पहले इनके alternative name जान लीजिए। Consonant clusters, consonant blends, consonant sequence, consonant compound। ज्यादातर ये जाना जाता है consonant cluster के नाम से। तो इस वीडियो में मैं इसको consonant cluster कह के ही बुलाने वाली हूँ। Yes, consonant cluster, इनके examples जो इनिशियल स्टेज, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग की स्टेज में यूज हो रहे हैं, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे ये जो यूज हो रहे हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इनिशियल पे यूज हो रहे हैं। यस, एग्जांपल्स आर इनिशिएट, इसको बोलेंगे इनिशियल क्लस्टर्स। यस, क्या बोलेंगे इनको? इनिशियल क्लस्टर्स। जी, वर्स प्लीज स्टे स्काई, स्टे स्काई, स्मॉल स्नैक, स्मॉल स्नैक। स्टे स्मॉल स्मॉल स्नैक, देन स्लो स्लो। सो लेट्स डू फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ओनली देन यू विल कम टू नो कि कहां पे आ रहे हैं कॉन्सोनेंट्स। स्टे स्टे, दिस इज कॉन्सोनेंट, दिस इज कॉन्सोनेंट। सच, दो कॉन्सोनेंट इनिशियल स्टेज पे। स्काई स्काई स्काई, यस, नेक्स्ट इज स्काई स्काई। आई आई, डिफ्थोंग कौन सी? आई, प्लाइट हाइट डाइट वाली डिफ्थोंग। स्मॉल स मो स्मॉल small, yes, next is small, such a circle, some, कोई भी vowel sound बीच में नहीं आ रही है। smack smack, sun echo sun, slow slow, oh slow ho, slow cho fo, these are initial clusters, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। स ट स क स म स न स ल, ये सारे क्या है? इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। नेक्स्ट आर, इससे पहले हमने किए कॉन्सोनेंट क्लस्टर इनिशियल स्टेज के ऊपर, इनिशियल के ऊपर, प्लेस के ऊपर, वो दो कॉन्सोनेंट से। अभी क्या है? थ्री कॉन्सोनेंट। स्प्लैश स प ल ए सपल सपल सपल, स्प्लैश स्प्लैश, वन टू थ्री, नो वाउल इंटरवीनिंग। स्प्रिंग स प र इंग, जब र के बाद वाउल साउंड है तो र लिखा जाएगा। सपल सपल सपल, देन स्क्विरल स क स्क्विरल स्क्विरल स्क्विरल, क्या होती है स्क्विरल? दिस इज व्हाट स्क्विरल, ग्लेरी को बोलते हैं। बहुत लोग इनको गलत प्रोनाउंस करते हैं, कई बार तो मैं भी कर देती हूँ गलत। स्क्विरल स्क्विरल, स्क्रोल, नेक्स्ट मैंने लिखवाया आपको स्क्रोल। स क र अ उ, कौन सी साउंड आ गई है? स्क्रोल। This is diphthong. अभी
सपोलो सपोरो सकोवो सकोरो, दीज आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स और कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स एट इनिशियल स्टेज. क्लियर? तो नेक्स्ट आर जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज एट द फाइनल स्टेज. हाँ जी, तो फाइनल प्लेस पे, सॉरी लास्ट प्लेस पे हम करेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स कैसे यूज होते हैं. नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो फाइनल लास्ट पे आ रहे हैं. लास्ट 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 राउंड 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 हेल्प्स 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 यस हेल्प्स के बाद हमारे पास है हेल्प्स लेक्स लैंड्स 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 टेक्स्ट. पहले हम लिखते हैं टेक्स्ट 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 बैंक्स बैंक्स यस. अभी देखिए सर्च नज पर्स ल पर्स ल पर्स न डर्स. ठीक है, ये लास्ट साउंड्स जो हैं वो सारी कॉन्सोनेंट क्लस्टर बना रही हैं. यहाँ पे दो साउंड हैं, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे तीन हैं, यहाँ पे टेक्स्ट क स ट स कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्ट्स ये सारी फोर साउंड वाले कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं. बैंक्स 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 आई रिपीट लास्ट सर्च राउंड हेल्प्स प्लान्स टेक्स बैंक्स बैंक्स बैंक्स. क्लियर? तो ये हुए हमारे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ आगे जानने के लिए.